on investor education program commodity derivative. So basically आज के session में हम लोग we'll get the insights about commodity derivatives and इसके अंदर हमारे पास कौन से products होते हैं, हमें किस तरीके से trade करना चाहिए, तो ये सब चीजें हम इसमें समझेंगे आज. तो टू स्टार्ट विद मैं आपको बस बता देती हूँ कि आज के सेशन में आप सभी लिसन ओनली मोड पर उन सभी क्वेश्चंस को लिख सकते हैं जिसका आंसर हम लोग सेशन के बाद देंगे. तो पहले देख लेते हैं कमोडिटी डेरिवेटिव का ओवरव्यू कि कैसे ये इवॉल्व हुआ. तो कमोडिटी ट्रेडिंग 19th सेंचुरी से चलती आ रही है जब से बॉम्बे कॉटन ट्रेड एसोसिएशन स्टैब्लिश हुआ था. इसके बाद में कुछ कमोडिटीज हमारी ट्रेड होनी स्टार्ट हुई थी जैसे ऑयल सीड्स रॉ जूट इन 1910-1930 एंड देन फॉरवर्ड्स मार्केट कमीशन हु वाज आवर रेगुलेटर अर्लियर वाज एस्टैब्लिश इन 1953 एंड देन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ कमोडिटीज को एक्सपैंड करा जिसके अंदर ट्रेडिंग अलाउ करी 2001 से. फिर इंडिया में 2003 में बहुत सारे कमोडिटी एक्सचेंजेस स्टार्ट हुए जिसमें से जो कि आज करेंटली एस्टैब्लिश हैं जिसके अंदर सारी कमोडिटीज अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए. देन देन सेबी सेबी सिक्योरिटीज एंड कांट हियर उन्होंने बहुत सारी एस्टैब्लिशमेंट करी है, बहुत सारे नए नए इम्प्रूवमेंट लाए हैं सो दैट वी कैन मेक दिस पर्टिकुलर सेगमेंट यू नो अवेलेबल फॉर ऑल द पीपल हु आर देयर इन दिस कंट्री. सो लेट अस सी द स्ट्रक्चर. तो जैसे आपको पता है कि नेशनल एक्सचेंजेस अवेलेबल हैं इंडिया में विच इंक्लूड NCDX, MCX, ICX, NSE, BSE. तो इन सभी को रेगुलेट करता है सेबी विच इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जिस जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स. एंड करेंटली इफ यू सी तो हमारे पास 91 कमोडिटीज अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए जो कि सेबी ने परमिट कर रखा है. आउट ऑफ दैट द कमोडिटीज आर एक्चुअली बाइफर्केटेड ऑन दीज यू नो ऑन दीज एक्सचेंजेस. तो NCDX इफ आई टॉक अबाउट सो NCDX इज पर्टिकुलरली for agri commodity derivative. Okay, so as I mentioned in my earlier slide that jab se SEBI aaye hain as a regulator in September 2015, so it has been a very much robust regulator I must say, jinhone bahut sari cheeze permit kari hai jaise options in commodity derivatives, financial institutions participants like your mutual funds, portfolio management services, even foreign entities. They have been, you know, permitted to be a part of commodity derivative ecosystem. And recently, commodity indices were allowed to be traded in June 2019. So, many commodity indices you can see in the market, which are currently available as well to trade, and for you to, you know, make the most out of these opportunities. Then, एक छोटा सा difference समझते हैं commodity और financial derivative के बीच में. तो कमोडिटी डेरिवेटिव में जो एक्चुअल सेटलमेंट्स होते हैं जो डिलीवरीज होती है वो सेटलमेंट जो होता है वो डिलीवरी के फॉर्म में होता है. वेयर एज इन फाइनेंशियल डेरिवेटिव जो सेटलमेंट होता है दैट इज ओनली कैश सेटल्ड. सो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास M2M आ जाएगा एंड द प्रोडक्ट इज कैश सेटल्ड. देन M2M कमोडिटी डेरिवेटिव में भी आता है बट वंस द एक्सपायरी हैपेंस सो इट हैज अ प्रोसेस ऑफ डिलीवरी. सो इसके सेटलमेंट एक्चुअल डिलीवरी से होता है जिसके अंदर क्वालिटी और क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस देखे जाते हैं. एंड एग्रीकल्चर कमोडिटीज बाई नेचर ही काफी ज्यादा लेबोरस रही है लेबोरियस रही है एंड यू नो सिंस कमोडिटीज जो है एग्री कमोडिटीज थोड़ी पेरिशेबल रहती हैं सो इसके अंदर इनको हमें एक यू नो इट वी नीड टू हैव अ प्रॉपर स्पेस स्टोरेज के लिए विच वी कॉल इट एज वेयर हाउसेज.
तो उन वेयरहाउस में रखना पड़ता है कमोडिटीज को, जिसके अंदर प्रॉपर क्वालिटी स्पेसिफिकेशन करा जाता है, इंश्योरेंस कॉस्ट ली जाती है, जिसकी वजह से कमोडिटी डेरिवेटिव एज अ होल सेगमेंट उसके अंदर एक होल्डिंग कॉस्ट लग जाती है. वेयर एज फाइनेंशियल डेरिवेटिव में होल्डिंग कॉस्ट इज जस्ट योर इंटरेस्ट रेट और द इंटरेस्ट कॉस्ट दैट कम्स अप. एंड देन एज आई मेंशन दैट कमोडिटी डेरिवेटिव की फिजिकल मार्केट होती है जो कि सीजनल होती है नेचर में. एंड इफ आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट एग्री कमोडिटीज एंड एग्री कमोडिटीज में दो सीजन होते हैं हमारे पास, रबी एंड खारिफ. सो करेंटली वी आर इन द खारिफ सीजन एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स विच इम्पैक्ट आर इकोसिस्टम. फर्स्ट इज द डिमांड एंड सप्लाई, की मार्केट में कितनी डिमांड है और पीछे से कितनी सप्लाई आ रही है. रेगुलेशन ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, बिकॉज many of our products, Indian products, got exported also, and we import few of the commodities as well. Government interventions is another one. Then in financial derivatives, the factors which impact us are the global and the domestic economic conditions, how a particular entity is performing, how, what is the taxation system that has come up. So these are the, you know, few differences which slightly distinguishes commodity with financial derivatives. Then let us understand the the agricultural commodities. So by nature, agricultural commodities, as I told you, they are little laborious, laborious, and so there are many risks that are there in this particular segment. So if I talk about the production risk, so production risk basically ki hamare farmers kitna produce kar pa rahe hain, hamari crop ki yield kitni aa pa rahi hai. So in case the weather condition is not suitable, weather condition favorable nahi ho pati hai crop ko produce karne ke liye, so that becomes a risk कि हमारे पास वो क्रॉप हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं ग्रोथ के लिए. सो ये सब कुछ फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन रिस्क पर हो सकता है. देन मार्केट रिस्क इज बेसिकली योर प्राइजेस. अब जैसे मैंने आपको बताया था कि हमें कमोडिटीज को रखना पड़ता है एंड इनका इम्पैक्ट डिमांड सप्लाई से रहता है. तो कमोडिटी के प्राइजेस जो है एज पर द सीजन एंड एज पर द सिचुएशन इन द मार्केट की डिमांड कितनी है, सप्लाई कितनी है, उसके हिसाब से हमारा रिस्क रहता है कि प्राइसेस ऊपर नीचे हो सकते हैं. देन आता है फाइनेंशियल रिस्क. लाइक हमारे जो फार्मर्स हैं, तो हमारे जो फार्मर भाई हैं वो सभी जैसे कुछ सीड खरीदते हैं या फिर कुछ पेस्टिसाइड्स खरीदते हैं या फिर यू नो इवन इफ दे हैव टू टेक सम मशीनरी, तो वो सब लोग या तो लोन पर लेते हैं नहीं तो डायरेक्ट पूरा बिल करवाते हैं. सो दैट अगेन बिकम्स अ रिस्क कि क्या हमारे पास उतना Do we have that much amount of liquidity in our hand कि हम लोग उस चीज को खरीद पाएंगे? Then legal, of course, legal and environmental risk are there, that lawsuits can be there by on individuals or businesses, and followed by the weather conditions, your these conditions. Then human resource risk is again the most important one, because farmers जो भी produce करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ से करते. The important thing which is required in the farm in the farming system, and hence there is a risk that what if somebody goes off and hamare paas labor kam ho jate hain, or so that becomes again a risk. Okay, so till now we understood about what the risks in the system are, but now let us understand what are derivatives. So jo hum log derivative ki baat kar rahe hain wo kya hota hai. तो derivative basically a contract होता है जो दो parties के बीच में हम लोग करते हैं, and वो फैसिलिटेट होता है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर. एंड इसकी जो वैल्यू होती है वो अंडरलाइन असेट विच कैन बी योर एनी असेट विच कैन बी योर स्टॉक, करेंसी, बॉन्ड्स, कमोडिटीज, वॉट एवर, देन दिस इज नोन एज डेरिवेटिव. नाउ एक्सचेंज ट्रेडेड कमोडिटी डेरिवेटिव क्या होते हैं? तो वो सारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जिनका अंडरलाइन असेट एक कमोडिटी, प्रॉफिट आउट ऑफ इट फ्रॉम कमोडिटीज विदाउट एक्चुअली पोजेसिंग देम. तो आपके पास वो एक्चुअली में नहीं होता, यू जस्ट हैव इट इन योर वर्चुअल फॉर्म. एंड द एज आई टोल्ड यू द अंडरलाइन असेट कैन बी योर कॉटन, वीट,
what kind of you know what kind of product it is and kitne buyers hain kitne sellers hain so there is a transparency in the particular system then yahan pe physical yahan pe physical market participants ke sath ka jo counter party risk rehta hai yani jo samne wale bande ka risk rehta hai wo hamara yahan pe reduce ho jata hai eliminate ho jata hai it will help you diversify your portfolio and yahan pe transactional efficiency bhi rehti hai and it gives you a confidence for your trade to get executed also exchange provides you an opportunity to have the prices and jo hamari price discovery hoti hai market mein ki kitna aa raha hai commodity ka price at what time to wo us particular role ko bhi we are into and we help you the disseminate the prices and discover the prices from the physical market so ye kuch commodities hain jo ki NCDX platform par agri commodities listed hain तो भी हमारे पास चार से पांच सेगमेंट्स हैं एज यू कैन सी सीरियल पल्सेस स्पाइसेस फाइबर्स गोल्ड कॉम्प्लेक्स ऑयल एंड ऑयल सीड तो ये पांच सेक्टर्स हैं जिसके अंदर कमोडिटीज अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए आउट ऑफ द 91 कमोडिटीज विच आर परमिटेड बाय द रेगुलेटर नाउ देयर आर फ्यू फैक्टर्स दैट अफेक्ट द कमोडिटीज मार्केट सो फर्स्ट इज द डिमांड and supply as I told you then second is the global economical situation ki bahar market mein kya situation hai so according to the tensions in the geopolitical regions or because of the you know elections that comes up or because of any pandemic that has happened so because of all the global economic situations the commodities market do get affected then we have seasonal cycles the commodities they come in their seasons and hence the seasonal cycles are there which will help you know when is the commodity arrival when is the commodity sowing like when the crop gets sowed when it is harvested and once it is harvested it, the arrival comes in and when the arrival comes in the demand is not much the supply is higher and hence the prices during that time is little lower as compared to the farther months then the weather dynamics like hamare paas kitna monsoon aa raha hai what is the rainfall that we have received is there any drought condition which has come up so things like that also you know since weather and I must say the rainfall is a a crucial factor that actually impacts the crop growth or crop production in the India then also the market sentiments that how the market is perceiving the commodity to go ahead now moving forward yahan pe hum dekhenge ki kis prakar ke apne paas participants hain jo exchange platform par participate karte hain तो यहाँ पे तीन प्रकार के पार्टिसिपेंट होते हैं जो कि अपना पोजीशंस लेकर दे टेक केयर ऑफ देयर ओन रिस्क सो देयर आर हेजर्स आर्बिट्राजर्स एंड स्पेक्युलेटर्स सो दोस पीपल हु आर अवेयर अबाउट द कमोडिटीज हु आर अवेयर अबाउट द मूवमेंट इन द आर्बिट्राजर्स बेसिकली वो लोग होते हैं जो दो डिफरेंट मार्केट के बीच का दो डिफरेंट मार्केट के बीच में ट्रेड करते हैं एंड दे टेक पोजीशंस एज पर द टू डिफरेंट मार्केट्स इट कैन बी आइदर स्पॉट एंड फ्यूचर और टू डिफरेंट फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट देन कम्स द हेजर्स सो हेजर्स आर दोज पीपल हु बेसिकली वॉन्ट टू रिड्यूस देयर रिस्क एंड ये बेसिकली वो लोग होते हैं जो लोग प्रोसेसिंग यूनिट साइट्स पर रहते हैं या फिर जिनका फिजिकल डिलीवरी का काम होता है सो यू नो दीज आर दोज पीपल सो बेसिकली फॉर एग्जांपल इफ आई एम लेट्स से व्हीट प्रोसेसर ओके तो मैं एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर आई विल सी कि मेरे को क्या प्राइस मिल रहा है स्पॉट में आई विल सी मेरे को क्या प्राइस मिल रहा है सो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन इन वन मार्केट आई विल सेल माई प्रोड्यूस इन अनदर मार्केट आई विल बाय माई प्रोड्यूस सो इन दिस केस आई एम लॉकिंग माई प्राइस इन द फ्यूचर कि मुझे फ्यूचर में इसी रेट में लेना है फिर चाहे वो ऊपर जाए या नीचे जाए ओके सो इन दिस केस ही इज एक्चुअली लॉकिंग हिज प्राइस रिस्क सो दैट इज हाउ ही डज हिज हेजिंग सो हेजिंग का कॉन्सेप्ट हम आगे समझेंगे एंड जो हेजिंग करते हैं उनको हम हेजर्स बोलते हैं सो हेजिंग बेसिकली है रिस्क आइडेंटिफाइएबल रिस्क को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है और लिमिट लिमिट कर देता है उस चीज को
अब आपकी पोजीशंस जो है वो विद इन द लिमिट्स होती है, प्राइस रिस्क लिमिट, सो यू नो कि आपको कितने का रिस्क है एंड आपको कितने का रिस्क यू नो मिटिगेट करना है. तो लैग इन द प्राइस मूवमेंट ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट लिमिट द लॉसेस, जो लॉसेस हैं वो थोड़ा इम्प्रूव लिमिट हो जाते हैं, एंड रिसोर्स एलोकेशन फॉर द स्ट्रैटेजी हो जाती है, एंड इसके अंदर फिक्स मार्जिन रहते हैं. सो आपको फिक्स मार्जिन देकर ही काम करना होता है. सो दैट वेज यू जस्ट नो कि मेरे को रिस्क और रिस्क मेरे से मार्जिन का है. हेजिंग दो तरीके की होती है, शॉर्ट हेजिंग एंड लॉन्ग हेज. तो जितने भी हेजर्स हैं, तो इफ फॉर एग्जांपल आई एम अ हेजर, मेरे पास एक प्रोसेसिंग यूनिट है एंड मेरे को लग रहा है कि मार्केट के प्राइसेस आगे जाकर बढ़ने वाले हैं. तो व्हाट आई विल डू इज कि मैं स्पॉट मार्केट से मैं खरीद लूंगी एंड फ्यूचर्स के प्लेटफॉर्म पर मैं सेल कर दूंगी. तो नाउ मैं जब फ्यूचर के मार्केट में सेल कर दूंगी, यानी जब मैं अपनी पोजीशन को शॉर्ट कर दूंगी, तो उसको मैं शॉर्ट हेज बोलूंगी. तो हेजर ओन्स द फिजिकल क्वांटिटी एंड इंटेंड्स टू सेल इट ऑन द फ्यूचर डेट. नाउ इन केस ऑफ लॉन्ग हेज, अगेन इन दिस पर्टिकुलर थिंग, मेरे को लग रहा है कि आगे जाकर प्राइसेस गिरेंगे. सो व्हेन माय प्राइसेस आर गोइंग टू गो डाउन, मुझे व्हिच इज फॉर एग्जांपल आई अज्यूम द प्राइसेस ऑफ व्हीट इज गोइंग टू गो डाउन, तो यहाँ पे हेजर क्या करेगा, अपना जो माल है करंट प्राइस पे वो स्पॉट मार्केट में या किसी और मार्केट में बेच देगा एंड एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर आकर खरीद लेगा. तो दिस वे ही इज मेकिंग अ लॉन्ग पोजीशन ऑन द फ्यूचर्स प्लेटफॉर्म. एंड इज नाउ रिक्वायर्ड टू परचेज द कमोडिटी ऑन द फ्यूचर डेट एंड वॉन्ट्स टू लॉक हिज प्राइस नाउ, कि आगे जाकर मुझे इसी प्राइस पर अपना माल खरीदना है. सो ही हैज लॉक्ड हिज प्राइस एंड द रिस्क व्हिच ही वाज फीलिंग ऑफ द प्राइसेस ऑफ गोइंग अप और डाउन. So let us now understand few of the investor guidelines that as an investor आपको किस चीज़ का ध्यान देना चाहिए. So as an investor आपको सिर्फ उन्हीं members का trade करना चाहिए जो कि exchange registered members हों. आपको अपना UCC KYC पता होना चाहिए, like what are the documents that you have submitted, what are the rights and obligations in the risk statement. You should ensure that the contract note contains all the informations like member registration, order details, trade number, trade rate, so that जब आपको आगे किसी चीज के अंदर जस्टिफिकेशन देना पड़े तो यू विल हैव ऑल योर थिंग्स इन प्लेस, ताकि कोई किसी चीज का मिसयूज ना कर सके. एंड आपको सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट नोट्स एवरी सेटलमेंट के लिए आपको चाहिए, यू शुड टेक दैट, सो दैट आपको पता है आपने कितने व्हाट यू हैव बॉट एंड व्हाट यू हैव सोल्ड. आपको चेक रखना है जेन्युइननेस के ऊपर, ट्रेड वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं विच इज देयर ऑन द अवेलेबल यू नो एक्सचेंज वेबसाइट. तो आप वहां से आप अपनी वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं. Pay the required margin and M2M and just be aware of the risk which is there with the dabba trading. Then क्या क्या चीज का आपको ध्यान रखना है कि आपको नहीं करना. So don't undertake any off market transactions. आपको off market transactions बिल्कुल नहीं करनी है. Market में जितने भी rumors हैं उस चीज का ध्यान रखना है, आपको उसका prey नहीं बनना है. Because market advertisements वगैरह होती है, वहाँ पे आपसे कुछ contract notes sign करवा लिए जाते हैं या फिर यू नो सम फ्रॉड वर्क में आल्सो हैपन. तो आपको उन सब चीजों का ध्यान रखना है कि रिस्क आप ना ले उन सब चीजों का, एंड बिल्कुल ध्यान से रहें कि जो एक्सचेंज और एक्सचेंज रजिस्टर्ड मेंबर्स बोल रहे हैं या सेबी से कुछ गाइडलाइंस है या तो आपको वही फॉलो करनी है. उसके अलावा मार्केट में जो भी कुछ हो रहा है आपको वो सब चीजें इग्नोर करना है, बिकॉज इट इज दिस इज ओनली फॉर योर सेफ्टी. Now, what is dabba trading? So, dabba trading is illegal trade होता है जो exchange के बाहर होता है. So, that is why I am saying the risk in dabba trading is very high, क्योंकि वो regulated नहीं है. वहाँ पे आपसे आपको क्या बोला जाएगा और क्या करा जाएगा उसकी भी कोई guarantee नहीं है. Whereas on the exchange platform, you are very safe because it is all regulated. Then, इसके अंदर आपको क्या क्या हो जाता है, आपके psych आपको क्या लगता है कि मेरे को यहाँ पे यू नो डॉक्यूमेंट्स कम देने पड़ रहे हैं या फिर मुझे यहाँ पे मार्जिन कम देना पड़ रहा है. तो ये सब चीज़ें बहुत रिस्की है, आप इस साइकोलॉजी में नहीं जाइए प्लीज, बिकॉज ये सब रिस्की है. एज व्हाट दे विल से एंड व्हाट दे विल डू विल बी टोटली डिफरेंट, एंड आपके पास वेरिफिकेशन करने के लिए भी कोई साधन नहीं है उस केस में. एंड सो इट कैन लुक लाइक अ कॉस्ट सेवर थिंग, बट इट इज टोटली इलीगल एंड अनसेफ. तो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर जैसे आपके ट्रेड एग्जीक्यूट होते हैं तो आपको बताया जाता है, आपके पास पूरी स्टेटमेंट आती है
अपने कॉन्ट्रैक्ट नोट की डिलीवरी एंड सेटलमेंट मैकेनिज्म आपके सामने पूरा ट्रांसपेरेंट है, मार्क टू मार्केट सेटलमेंट होता है, कुछ भी अगर डिस्प्यूट होता है तो वो आर्बिट्रेशन के थ्रू रिजॉल्व करा जाता है, एंड जबकि ये सारी चीज़ें डब्बा ट्रेडिंग में नहीं होती है. सो टू अवॉइड एनी रिस्क, प्लीज अवॉइड डब्बा ट्रेडिंग, इट इज टोटली इलीगल. हैव पोजीशंस ऑन द एक्सचेंज प्लेटफॉर्म एज इट इज टोटली रेगुलेटेड, एंड बी सेफ इन योर इन्वेस्टमेंट. तो इन्वेस्टर ग्रीवियंस रिड्रेसल एक कमिटी है थ्रू विच आप अपने कुछ भी, अगर आपको किसी भी प्रकार का कंप्लेंट है यू नो फ्रॉम अ क्लाइंट और एन इन्वेस्टर किसी भी मेंबर के अगेंस्ट या किसी भी चीज़ के अगेंस्ट, तो आप वो यहाँ पे फाइल कर सकते हैं. सो यू कैन गो ऑन एक्सचेंज वेबसाइट एज वेल, एंड इन फैक्ट सेबी के वेबसाइट पर जाकर भी आपको इस चीज़ के बारे में डिटेल्स और मिल सकती है. सो बेसिकली इन्वेस्टर ग्रीवेंसेस आपको हेल्प करता है आपकी सारी कंप्लेन को रिजॉल्व करने के लिए, एंड इफ द डिस्प्यूट अगर रिजॉल्व नहीं होती है तो वो नेक्स्ट लेवल पर लिया जाता है, जैसे आर्बिट्रेशन पर जाएगा एंड देन टू कोर्ट इट मे गो टू. तो इसलिए यू आर ऑल सेफ इन योर इन्वेस्टमेंट्स, डोंट हेजिटेट एंड जस्ट डू योर सेफ इन्वेस्टमेंट. सो थैंक यू वेरी मच एवरी वन फॉर योर टाइम. नाउ लेट्स सी इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस होते हैं तो हम ले लेते हैं. Okay, so as I can see that we don't have any questions. So thank you everyone for being a part of this session. Have a nice day ahead.